जोरदार। एक दुकान होती है ना जहाँ सब कुछ मिलता है, मैं वो हूँ। तो पहले थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता तो दे मेरे भाई, क्यों है, कौन, क्या है। वो बोलते हैं ना, तो बोला शोरूम में सब कुछ मिलता है, पहले पता तो चले बोर्ड पे शोरूम में है क्या। मेरा नाम अभिजीत सिंह है, उम्र 23 साल, मैं प्रोफेशनली डांसिंग में हूँ और लास्ट एक साल से मैं एक्टिंग और मॉडलिंग भी ट्राई कर रहा हूँ। अरे कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में। सर इंटरेस्टिंग बहुत चीज है, मतलब जैसे मैं देखो मैं नेल पेंट करता हूँ, ओके मैं पिंक सॉक्स पहनता हूँ जो हर कोई नहीं पहनता। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, हम ये कह रहे हैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग अपने बारे में बताइए जो कुछ डिफरेंट हो लोगों से, क्योंकि पिंक सॉक्स पहनना इंटरेस्टिंग नहीं है। एक चीज कर दे, दोनों चीज एक साथ हो जाएंगी, तू डांस कर साथ में अपनी इंटरव्यू दे। ओके लेट्स गो लेट्स गो। सर मेरा नाम अभिजीत है, मैं बचपन से था सो मैंने स्टार्ट किया LGBTQ कम्युनिटी कल्चर को एक्सप्लोर करना, उनके पर्सपेक्टिव जानना। फिर मुझे पता चला कि वो लोगों की सोच जो है वो लिमिटेड नहीं है, तो मैंने वहाँ पर अपने आप को बहुत ही फ्री महसूस किया। पर आप ये बताइए कि आपको LGBTQ कम्युनिटी जाके ऐसा क्या महसूस हुआ जो आपको फ्रीडम देती है? सर मेरे को महसूस हुआ कि वो लोग की सोच लिमिटेड नहीं है, वो लोग चाहे किसी के साथ भी वो लोग किसी से भी प्यार कर सकते हैं, वो लोग कुछ भी पहन सकते हैं। पर एक सेकंड, लेकिन वो आप ये जो वो लोग कह रहे हैं, तो मतलब आप कहाँ से हो? आप LGBTQ कम्युनिटी से आप रेजोनेट नहीं करते हो? सर मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने अपने आप के ऊपर काम किया, मैंने एक्सप्लोर किया तो मैंने जाना कि मैं अट्रैक्टेड हूँ टूवर्ड्स फेमिनाइन एनर्जी। आर यू ट्राइंग टू से कि आपको लड़के भी पसंद हैं? मैं उनको लड़का नहीं मानता, दे आर बोर्न एज मेल। तू नहीं मानता ना, वैसे लड़के हैं वो। नहीं, वो लड़के हैं सर, वो बोर्न लड़के हुए, बट मैं उनको लड़कियां मानता हूँ। One second, so you are saying you are bisexual? Is that what you're saying? हाँ, आप बोल सकते हो bisexual, but मैं bisexual तो मेरे को लगता है best है। Okay? नहीं, आप हो कि नहीं हो? मैं हूँ। तुझे पता है शो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? What? क्या होती है बता? अगर तू शो देख रहा है, अंदर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जहाँ पर हम तुम्हें जज कर पाते हैं कि तुम कैसे हो। मल्टीटास्किंग सर। अबे फॉर्म आपने लिखा है, व्हाट वुड यू डू, वुड यू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सचेंज फॉर 1 crore rupees, एक्सप्लेन। और बी में लिखा है, हिट अ सीनियर सिटीजन। आपने कहा है यस आई विल। हां मैं उनसे 50 लाख अंकल के, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप पहले। सॉरी मैम। एक सीनियर सिटीजन को थप्पड़ मारेंगे पैसे के लिए? क्या बताओ, सीनियर सिटीजन को जरूरत हो 50 लाख की? क्या मेरे लिए तू एक नंबर इंसान है जो लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये ले मेरे, तेरा फॉर्म मैटर नहीं करता। फॉर्म पर सबसे पहले इसकी इज्जत कर, यहाँ पे वो लोग सिलेक्ट नहीं होते जो ये फड़ी में लिख देते हैं कि हम भाई ये करके आए, हम थप्पड़ मार लेंगे, हम ये कर लेंगे, तेरे जैसे को भूतने घुमा देते हैं हम। सर आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं, कितने बुजुर्ग लोग आते हैं जिनको आप घर तक छोड़ के आते हैं, आपके सामने कोई ऐसा लड़का आ जाए जो उनको आपके सामने मार रहा हो, आप क्या करोगे? तो इसको सुन क्यों रहे हैं? हाय शुभम। हाय शुभम। हाय शुभम। हाय सोनू सर। हाय। हाय गैंग लीडर्स। हाय। हाय। माय नेम इज शुभम। आई एम अ डेफ पर्सन, आई वाज बोर्न डेफ। मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। मैं एक मॉडल हूँ, मेरे को स्टाइलिंग बहुत पसंद है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मैं एक एक्टर बन पाऊँ। ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हे शुभम, रॉकस्टार। हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एज अ डेफ पर्सन मैं इस शो में इस राउंड तक पहुँच पाया। रोडीज में क्यों आना चाहते हो शुभम? मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि बचपन में जैसे मेरे को बोल जाता, तुम स्टूपिड हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम डेफ हो, इसलिए तो तुम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं जैसे बाकी लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। ट्रैकिंग बहुत पसंद है मुझे और स्टाइलिंग, फैशन, मॉडलिंग, ये सब मुझे बहुत पसंद है। एक मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, जैसे आपकी क्लैप्स की आवाज़ तो मुझे नहीं आती, तो साइन लैंग्वेज में क्लैप्स ऐसे होते हैं। आप जिस तरीके से साइन लैंग्वेज बोलते हो वो बहुत ही प्यारा लगता है।
थैंक यू सो मच। तीन फनी फनी गालियां जो तू मन में देता है जब तुझे कोई तंग करता है। दिमाग बंद है क्या? एकदम ही खराब है। अरे एक शरीफ आदमी आया हो तुम लोग बिगाड़ने लगे हो उसको यार। गैंगडीडस, शुभम ने बहुत कुछ अच्छा करके बताया। नाउ इट्स योर टर्न टू टेक ए कॉल। आई एम रियली सॉरी दैट जो मैंने रेड बटन दबाया आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे विजन में है और जैसा शो में चलना चाहिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। सो हमारे शो में जब भी ऐसे लोग आते हैं जो इंस्पायर कर पाते हैं लोगों को, है ना, तो इसलिए हम रोडीज़ वालों की तरफ से तुझे शुभम इधर आ। एंड टुडे ऑन एमटीवी रोडीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इसी महीने वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द शूट, हमने आधी फिल्म खत्म ही कर दिया और हम लोग शूट शुरू कर रहे हैं इसमें। और दिस मंथ यू विल बी शूटिंग फॉर माई फिल्म फतेह एंड आई प्रॉमिस यू दिस विल बी वन ऑफ योर मोस्ट स्पेशल रोल्स। गेट रेडी, आई लेट यू नो द डेट्स, ठीक है? एंड शुभम एज एन एक्टर हैज अराइव्ड, शुभम एज अ रोडी हैज अराइव्ड। गॉड ब्लेस यू मैन। डबल चीजें, डबल धमाका। आई सी यू सून ऑन द सेट। थैंक यू रोडीज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट शुभम। कर्म से बन जा तू एक इंसान या करके तू कांड बन जा शैतान होगा कर्म या कांड। हेलो, कुछ बता अपने बारे में पेरी। सो सर, मैंने इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। मैंने एक मूवी भी की है जो रेमो सर ने डायरेक्ट की थी और प्रभुदेवा सर के साथ, सबके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया है। मैंने म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है, बट वहाँ पे ना मैं अपने आप को ऐसा सोलो प्रेजेंट नहीं कर पाई। यहाँ पे बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि तू डांसर है, डांसर है, तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे को वहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना लोग चाहिए। सर्च करते हैं बाबा। यस सर, मेरे को पता है वो चीज़, मेरे को बहुत लोगों ने यहाँ पे भी बोली है वो सेम चीजें। बटन से आपके बाजू में है, लिवर आपके बाजू में है। सॉरी, दो रेड वेरी प्रिंस भाई, मुझे अच्छी लगी वो। मुझे लगता है कि शी इज अ ग्रेट डांसर। हाँ, उसके अंदर बहुत स्पार्क है। पहले तो मैं एक प्रेस करता हूँ एक बार। What do you think, Riya? I'm not convinced, यार। क्योंकि जो प्रिंस को चाहिए, उसके गैंग लीडर्स उसको कितना सपोर्ट करते हैं। भाई वो सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करने आए हैं, वही शो में पूरे शो में करते रहेंगे। लोग तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप उन्हें सपोर्ट करोगे। जब आप बाहर जाके हमारे बारे में अनशन बातें करते हो तो आप क्या समझते हो? मैंने कुछ भी नहीं करी बाहर जाकर। पहली बात, आप इस टोन में मुझसे बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप पहले माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू भाई? मेरे बोलने का तरीका पंजाब से हूँ, ऊंची है, पर मैं गलत नहीं बोलता, चाहे कोई भी हो, इधर उधर देखने वाला भी हो। क्या मेरी बात कर रहे क्या भाई? मैं तो परमात्मा की बात भी करता हूँ। भगवान सुन रहा है? मैंने तो कुछ बचा ले मेरे को। सर प्रिंस, सर आप बड़े ही अच्छे हैं, मैंने आपके बारे में कोई बोला भी नहीं। मैं क्या ही बात करूँ सर, हमने शो कर ली, हमने जीत लिया, अभी बात चल रही है उनकी। आई अंडरस्टैंड, बट तू ये सब मत बोल, ये सब मत बोल। हम दोनों सिग्मा बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस ही है भाई, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस अभी नहीं आया। आवाज ऊंची करने से तेरा। अरे भाई मेरी आवाज है ही ऐसी। चल चल चलिए प्रिंस, अभी एक मेरे काम बैठते हैं भाई, बैठो आप। तो अभी हम गेम पे आते हैं वापस। देखो पैरी भी देख रही है कि क्या होने वाला है। गौतम, मैंने तो बोल दिया कि मेरा हो गया। देखो भाई, मेरे को पता है आपको इस सीट पे कर्म के लिए बिठाया गया है और मेरे को आप पे भरोसा है कि आप किसी टैलेंट को ऐसे जाने नहीं दोगे और आपको पता है उसमें टैलेंट है। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू, वेलकम टू रोडीज। मुझे अभी इसके बाद सिर्फ पिचिंग आपको करनी है, बाकी मेरे लिए कोई मैटर नहीं है।